दिल्ली के रोहिणी इलाके में चल रहे एक आध्यात्मिक आश्रम में रह रही लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। एक पीड़ित परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के भी आदेश दे दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के आश्रम में आध्यात्मिक शिक्षा के नाम पर लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोप आश्रम के प्रमुख वीरेंद्र दीक्षित पर है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर भारी दलबल के साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस आश्रम पर पहुंचे और घंटों छापेमारी की। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई को विशेष जांच दल गठित कर जांच का आदेश दिया है। साथ ही आश्रम में लड़कियों के साथ कथित दुष्कर्म और आत्महत्या में दर्ज सभी मामलों से जुड़े दस्तावेज जब्त करने का निर्देश दिया था। छापेमारी करने पहुंची टीम ने दर्जनों लड़कियों को आश्रम से सुरक्षित निकाला और आश्रम से जुड़े दो लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस आश्रम के सिर्फ 30% हिस्से की ही छानबीन कर पाई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी दिल्ली पुलिस के साथ पहुंची थी। हाईकोर्ट के ऑर्डर पे हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी रेड चल रही है, अभी इंस्पेक्शन चल रहे हैं और जो भी हम लोगों को पता चलेगा वो हम कोर्ट में कल पेश करेंगे। स्पेशल टीम ने हाईकोर्ट को बताया है कि विश्वविद्यालय में 100 से ज्यादा लड़कियां थी और उनमें से कई नाबालिग भी है। इससे पहले मंगलवार को भी हाईकोर्ट द्वारा गठित स्पेशल टीम जांच करने आश्रम गई थी, लेकिन आरोप है कि वहां के कर्मचारियों ने उन्हें 1 घंटे तक बंधक बनाकर मारपीट की थी। दरअसल राजस्थान निवासी एक युवती के परिजनों ने एनजीओ के साथ मिलकर इस मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। अनमोल कुमार दीपक की रिपोर्ट, गो न्यूज़।